आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। दो दिवसीय दौरे पर रविवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे अपने गृह जनपद गोरखपुर। गुरु गोरखनाथ जी महाराज और अपने गुरु ब्रह्मलिंद महंत अवैधनाथ की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर जाकर टेका मत्था। कुशीनगर जनपद में आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। सोमवार को लखनऊ के लिए होंगे रवाना। सरकारी स्कूलों में 24,178 शिक्षकों और कर्मचारियों की भर्ती के नाम पर फर्जीवाड़े का मामला आया सामने। सरकार का लोगो लगाकर बनाया फर्जी वेबसाइट, शिक्षा मंत्री ने कहा। मामले को लिया गया है संज्ञान में। फर्जी विज्ञापन निकालने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करवा कर कराई जा रही है कानूनी कार्यवाही। सपा के द्वारा खेत खलिहान कुटीर उद्योग बचाओ रोजगार दो किसान नौजवान पटेल यात्रा के कार्यक्रम में पहुंचे सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल। कहा 2022 में प्रदेश में बनेगी सपा की सरकार। भाजपा के तत्वावधान में आयोजित हुआ ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र का प्रबुद्ध सम्मेलन। बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा किए गए कार्यों को लेकर किया गया प्रबुद्ध जनों के साथ चर्चा। प्रबुद्ध वर्ग के सहयोग से प्रदेश में दोबारा बनाएंगे भाजपा सरकार। अंबेडकर जनमोर्चा के तत्वावधान में आयोजित किया गया दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक भागीदारी उद्घोष सम्मेलन। कांशीराम के दिखाए मार्ग पर चलने का लिया गया संकल्प। गोरखपुर में रविवार को मिला एक नया कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,406। अब तक 849 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके हैं अपनी जान। 12 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। प्रदेश संयोजक DK शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ भाजपा के सहकारिता प्रकोष्ठ की बैठक। क्षेत्र में कार्य कर रही संस्थाओं को अभियान चलाकर पार्टी से जोड़ने के दिए निर्देश। और जनपद की तीनों नदियां उतार पर, तेजी से घट रहा है नदियों का जलस्तर। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति में हुआ है सुधार। अगले कुछ दिनों में मिल सकते हैं बाढ़ से निजात।